हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं यासीन और आप देख रहे हैं इस्लामिक टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नमाज में कितनी चीज़ें सुन्नतें हैं, लेकिन मैं ख़ास ख़ास सुन्नतों को सिर्फ बयान करूंगा। अगर पूरी सुन्नत को बयान करूंगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसीलिए मैं आज ख़ास ख़ास बातों को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नमाज में कितनी सुन्नतें होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक इस्लामिक टीवी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, नमाज में 21 सुन्नतें हैं। वैसे तो बहुत सारी सुन्नतें हैं, लेकिन हम खास खास सुन्नतों को बयान कर रहे हैं। नंबर एक, तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना, यानी तकबीर तहरीमा जो कहते हैं उससे पहले ही दोनों हाथ कानों तक उठाना, ये सुन्नत है। नंबर दो, दोनों हाथ की उंगलियां अपने हाल पर खुली और क़िबला की तरफ रुख करना, यानी कि दोनों हाथ की उंगलियां जो अपनी हाल पर इसको छोड़ देंगे, ना तो बंद करना है और ना ही खुला रखना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उंगलियों को बंद करना ज़रूरी है या खुलना ज़रूरी है, अपनी हाल पर इसको छोड़ देंगे और इसको जो है हाथ को जो है क़िबला की तरफ रुख करेंगे इसको। नंबर तीन, तकबीर कहते वक्त सर को न झुकाना, यानी जब आप तकबीर कह रहे हैं तो उस वक्त सर को नीचे नहीं झुकाना, बल्कि आपका सर जो बिल्कुल अपने बॉडी के साइज के बराबर होना चाहिए। नंबर चार, इमाम का तकबीर तहरीमा और एक रुकन से दूसरे में जाने की तमाम तकबीरें बकदर हाजत बुलंद आवाज से कहना, यानी अगर आप नमाज पढ़ा रहे हैं और आप जब रुकू से सजदे में जाते हैं तो आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि एक एक आदमी के कान में पहुंच जानी चाहिए, एक एक मुक्तदी के कानों में आपकी आवाज जानी चाहिए जब आप रुकू से सजदे में जाते हैं, यानी कि जो भी तकबीर आप नमाज के अरकान में अदा करते हैं उन सबको इतनी जोर से कहना जरूरी है कि सबको सुनाई दे दे। नंबर पांच, सीधे हाथ को बाएं पर नाफ के नीचे बांधना। नियत बांधने का तरीका यह है कि सीधे हाथ को बाएं हाथ के ऊपर छोटी उंगली और ये अंगूठे से ये बाएं हाथ की जो ये गट्टा है इसको मजबूती के साथ पकड़ेंगे और इसके तीनों उंगली जो है इसके पुश्त पर रख देंगे और इसको नाफ के नीचे बांध लेंगे। नंबर छह, सना पढ़ना। नमाज के अंदर सना पढ़ना ये फर्ज या वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। ये हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि नमाज में क्या क्या सुन्नत है। तो नमाज में सना पढ़ना सुन्नत है। नंबर सात, तहफ्फुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना भी सुन्नत है। नंबर आठ, बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले सना पढ़ना सुन्नत है, फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। नंबर नौ, फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रिकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। जैसे कि आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं या असर की नमाज पढ़ रहे हैं या मगरिब या ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं, तो फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रिकात जो इसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं पढ़ेंगे। और सूरह फातिहा पढ़ना भी सिर्फ सुन्नत है, ये भी फर्ज या वाजिब नहीं है, इसको भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर दस, आमीन कहना ये सुन्नत है। सूरह फातिहा के बाद आमीन जो कहते हैं ये सुन्नत है। नंबर ग्यारह, सना और तावुद और बिस्मिल्लाह सबको आहिस्ता पढ़ना, यानी सना जो पढ़ते हैं और उसके बाद औज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सूरह फातिहा के बाद आमीन जो हम बोलते हैं उसको भी आहिस्ता पढ़ना है, जोर से नहीं पढ़ना है। नंबर बारह, सुन्नत के मुआफिक इरत करना, यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाज में पढ़ा करते थे जो सूरतें, उसी के हिसाब से आपको नमाज में पढ़ना चाहिए। नंबर तेरह, रुकू और सजदे में तीन तीन बार तस्बीह पढ़ना, यानी अगर आप रुकू कर रहे हैं तो रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम तीन बार कहना सुन्नत है और सजदे में इसी तरीके से सुभान रब्बियल आला तीन बार कहना सुन्नत है। नंबर चौदह, रुकू में सर और पीठ को एक सीध में बराबर रखना और दोनों हाथ की खुली हुई उंगलियों से घुटनों को पकड़ लेना। रुकू में जो हमारा सर और पीठ रहता है ये दोनों बिल्कुल एक साइज में रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर जो है ऊपर उठा हुआ है या फिर आपकी पीठ जो है नीचे की तरफ ढकी हुई है, या ऐसा भी नहीं करना है कि आपने सर को जो बिल्कुल नीचे झुका दिया और आपकी पीठ जो है ऊंट की तरह ऊपर लटक रही है, ऊपर उठी हुई है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका सर और पीठ जो है बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए,
इस तरह बराबर होना चाहिए कि आपके पीठ पर अगर एक प्याला पानी रख दिया जाए तो उस प्याले का पानी गिरने ना पाए, इस तरह रुकू करना है। नंबर 16, नंबर 15, कौमा में इमाम को समीअल्लाहु लिमन हमीदा और मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द कहना और मुनफरी को तस्मीअ और तहमीद दोनों कहना। यानी रुकू से जब सीधा खड़े होते हैं तो इमाम को समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहना सुन्नत है, और मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द और मुनफरिद यानी जो अकेले नमाज पढ़ रहे हैं उनके लिए दोनों कहना सुन्नत है। समीअल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द दोनों कहना सुन्नत है। नंबर 16, सजदे में जाते वक्त पहले दोनों घुटने फिर दोनों हाथ फिर पेशानी रखना। यानी जब आप कौमा करके सीधा सजदे में जो जाते हैं उस वक्त आप पहले दोनों घुटनों को रखेंगे फिर दोनों हाथ रखेंगे फिर दोनों फिर पेशानी रखेंगे, ये सुन्नत तरीका है। पहले दोनों घुटने फिर दोनों हाथ फिर पेशानी, ये सुन्नत तरीका है। नंबर 17, जलसा और कायदा में बाया पांव बिछा कर उस पर बैठना और सीधे पांव को इस तरह खड़ा रखना कि उसकी उंगलियों के सिरे क़िबले की तरफ रहें और दोनों हाथ रानों पर रखना। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं, और कायदा यानी जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं उसको कायदा बोलते हैं। जलसा और कायदा में बैठने का तरीका ये है कि बाया पांव बिछा कर उस पर बैठना, बाया जो हमारा उल्टा पैर जो रहता है इसको हम बिछा देंगे इस तरीके से हम बिछा देंगे और इस पर बैठ जाएंगे, और सीधा पैर जो है इसको इस तरीके से हम खड़ा रखेंगे और इसकी उंगलियां जो है क़िबले की तरफ रहेंगी, सीधे पैर की इसकी उंगलियां क़िबले की तरफ रहेंगी और बाया पैर इस पर हम बैठ जाएंगे, ये तरीका होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप मेरे हाथ को, ये तरीका रहना चाहिए। नंबर 18, तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर कलमा की उंगली से इशारा करना। यानी जब अशहदु अल्ला इला अत्तहियात पढ़ने के बाद पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त ये उंगली से शहादत की उंगली से इसको इशारा करेंगे ऊपर की तरफ, ये भी सुन्नत है। नंबर 19, कायदा आखिरा में तशहुद के बाद दरूद पढ़ना। यानी जो लास्ट वाली चार रिकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो दो रिकात के बाद एक कायदा पढ़ा जाता है, फिर लास्ट में चार रिकात के बाद जो कायदा आखिरा होता है उसमें अत्तहियात पढ़ने के बाद उसमें दरूद शरीफ पढ़ा जो जाता है आखिर में, उसको वो पढ़ना भी सुन्नत है। नंबर 20, दरूद के बाद दुआ पढ़ना। दुआ आप कोई से भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूब, या इसी तरीके से दरूद शरीफ जो है नमाज के अंदर वो आपको मालूम ही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। नंबर 21, पहले दाएं तरफ सलाम फेरना फिर बाएं तरफ सलाम फेरना, ये चीज सुन्नत है। लफ्ज़े सलाम के साथ अपनी नमाज को ख़त्म करना ये वाजिब है, और पहले दाएं तरफ इस तरीके से अपने चेहरे को फेरना पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ, ये सुन्नत है। ये हो गई 21 सुन्नतें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, ये थी नमाज की 21 सुन्नतें जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है कि हम नमाज पढ़ते जो हैं उसके अंदर कितनी सुन्नतें हैं। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप किस तरीके से नमाज पढ़ेंगे, आपकी नमाज अधूरी है, मुकम्मल नहीं हुई है। नमाज के अंदर सुन्नत बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से कि आपके सालन में नमक काम करता है। जिस तरीके से सालन जो है बगैर नमक के अधूरी है, इसी तरीके से नमाज भी बगैर सुन्नत के अधूरी है। इसलिए आपको ये चीज़ समझना चाहिए और जानना चाहिए ताकि आपकी नमाज मुकम्मल हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।